अच्छा चलता हो, दुआओं में याद रखना। वाओ, जस्ट वाओ, बहुत ही शानदार तरीके से सपोर्ट किया है श्रीलंका ने पाकिस्तान को। कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में जाने से। इंग्लैंड जैसी तुच्छ टीम को मात्र 287 रनों से हराना है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और भाई चांस इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग आ गई तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर पाए सेमीफाइनल में, क्योंकि जो भी टारगेट इंग्लैंड बनाएगा उसको पाकिस्तान को चेस करना है 2.5 ओवर्स में। ये भगवान क्या जुलूम है, 2.5 ओवर्स में टारगेट चेस करके सेमीफाइनल में एंट्री और वहां से वर्ल्ड कप ट्रॉफी के अंदर बिरयानी डाल के पाकिस्तान ही तो जाना है। अमूल बाचो, बड़े आराम से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान जैसा ही तो खेलेंगे ना। हाँ मेरी जान, अबे हम लोग आज तक खुद के लिए कभी मैच नहीं जीते, पाकिस्तान को लग रहा था हम लोग उनके लिए मेहनत करेंगे, वो भी न्यूजीलैंड की टीम के सामने। वाह बेटे वाह, हमको क्या मिलेगा, हमें तो अभी वर्ल्ड कप के बाद घर जाके दाल चावल ही खाना है और तुम लोग यहाँ पे फ्री की बिरयानी ठूसोगे। बिरयानी तुम्हारी तो मेहनत भी तुम्हारी, हमने तो ये झोला भरा और चले श्रीलंका। पाकिस्तान जैसे चाह रही थी कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए, न्यूजीलैंड ने उल्टा श्रीलंका को उसी मार्जिन से हरा दिया। श्रीलंका से हेल्प मांगना मतलब गोबर में अपना मुंह देना। पहले हम लोग 10 फीट के गड्ढे में थे, इन हरामी लोगों ने ऐसी हेल्प करी, हम लोग अब 20 फीट के गड्ढे में आ चुके हैं। मैं तो खुद ही कहना चाहूंगा तेल लगाकर डाबर का, आगे आप लोग समझदार है जानते ही है। हाँ, और एक और जरूरी बात, अपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ। ट्रेंट बोल्ट और केन विलियमसन, वो बिचारे दर्द में डूबे हुए आदमी मैथ्यूज के मजे लेने लगे जैसे ही वो बैटिंग पर आया। अरे आज तो नया हेलमेट, अरे आज तो एक ही मिनट में ग्राउंड पर आ गए। मैथ्यूज की इनिंग्स देख के अब श्रीलंका वाले खुद ही बोल रहे हैं टाइम आउट ही हो जाया कर भाई, कम से कम हमारा टाइम तो बचेगा। रचिन रविंद्र, भाई ये बंदा क्या करके मानेगा, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, मैडन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर। और फोर्थ नंबर पर कौन है तुम देख लो, राहुल द्रविड़, जिससे इंस्पायर होके इनके मम्मी पापा ने इनका नाम रखा था, उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। मेरे को तो यार रविंद्र और डीकॉक से बड़ा डर लग रहा है इस वर्ल्ड कप में। शामी भाई थोड़ा संभाल लेना यार। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपू ना कुशल परेरा ने कोशिश तो जरूर करी थी कि मैक्सवेल बन जाऊं, और महेश ठीकसना ने कोशिश करी थी पैट कमिंस बनने की, लेकिन जो टोटल स्कोर हुआ वो ऑस्ट्रेलिया की जगह पाकिस्तान टाइप का टोटल स्कोर बन गया। वो तो लास्ट विकेट के लिए श्रीलंका ने 43 रन्स जोड़ लिए, वरना पाकिस्तान को इंग्लैंड को एक इनिंग्स और 250 रन से हराना पड़ता सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अब कुछ नहीं हो सकता क्या, कुछ करो ना, कुछ करो ना। वैसे भाइयों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, जिस हिसाब से अफगानिस्तान ने अपना लास्ट मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तुमको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? जो भी लगता है विन करेगा उस पर प्रेडिक्ट कर सकते हो तुम ऑन stake.com। स्टेक बहुत ही ट्रस्टेड स्पोर्ट्स साइट है जिसके ब्रांड एम्बेसडर ड्रेक है, और केवल टीम ही नहीं बल्कि यहाँ पर तुम प्लेयर्स पर प्रेडिक्ट कर सकते हो, टीम के टोटल स्कोर पर, और भी 50 से ज्यादा चीजें हैं जहाँ तुम मैच देखते देखते अपना प्रेडिक्शन दे सकते हो और विन कर सकते हो। यार लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ, जल्दी से जाके रजिस्टर करो और मैच के मजे लो। भाई पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान जैसा नहीं, झूठ मत बोलो, देखो पाकिस्तान से थोड़ा सा अच्छा खेलिए। बाबर आजम, बांग्लादेश, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, प्लीज हेल्प। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान एक लास्ट हेल्प इंग्लैंड से भी मांग के देखो, क्या पता वो 350 रन से हार जाए। आप अपनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी रख लीजिए, मैं अपना कुदरत का निजाम रख लेता हूँ। ओके बाबर भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच सीन, पाकिस्तान 600 फॉर 250 ओवर्स, बाबर आजम 265 नॉट आउट, जमान 200 नॉट आउट, रिजवान 100 नॉट आउट, इंग्लैंड 135 ऑल आउट, इफ्तिकार 6 विकेट, रॉफ 85 फॉर 0। भाई इंग्लैंड 135 मारा, उसमें भी रॉफ भाई ने 85 पिटा है, वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, ये हो सकता है भाई, बहुत पॉसिबल है, मेरे को पाकिस्तान पे पूरा भरोसा है। सेमीफाइनल में तो जाने से रहे, इसलिए जिसको जो खाना हो 11 नवंबर तक भरपेट खा लो, प्लानिंग डन। जय शाह ने न्यूजीलैंड को डिवाइस वाली बॉल दे दी भाईजान। यार ये बाबर भाई अमीर लोग बहुत खराब होते हैं यार, ये अमीरी बहुत बिगाड़ के रख दिए लोगों को, क्या क्या कर रहे हैं यार, चीटिंग चल रही है भाई जान, कोई तो मान लो हमारी बात, आईसीसी ही बीसीसीआई है। ठीक है बाबर भाई, कराची जाके फोन करना, वहां से हम लोग बात मान लेंगे आपकी। पाकिस्तान फैंस राइट ना हो, तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया श्रीलंका। एंजेलो मैथ्यूज आफ्टर कमिंग ऑन द पिच इन 1:06 विद द हेलमेट। भाई मैथ्यूज भाई लास्ट मैच जो था ना बांग्लादेश का, जब आउट हुए वहीं से हेलमेट पहन के बैठ गए थे अगले मैच के लिए। हम दुखी थे
पर हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। श्रीलंका का तो मेरे को लगता है दुख होना भी बंद हो गया होगा, इतनी बार हार चुकी है इनको फर्क नहीं पड़ता होगा। रोना बंद कर पाकिस्तान, सेमीफाइनल 2019 की रिवेंज वाली स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। हाँ यार पाकिस्तान, हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, इस बार थोड़ा बदला लेना है न्यूजीलैंड से। इट्स ओवर गाइस, बाबर आजम। सपना टूटा है पर दिल तभी दलता, हाँ थोला दल्द हुआ। कुदरत का निजाम टुडे सो रहे थे। हेलो, कुदरत का निजाम है अब कुछ देर पहले ही चल बसे। कुदरत